यो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शैनन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई आज के लिए इस पंखे को आप सह लो, क्योंकि भाई कोलकाता में बहुत गर्मी है। तो अभी मैं अगर पंखा बंद करूंगा तो अभी पसीना पसीना हो जाऊंगा, तो इसलिए आई एम नॉट स्विचिंग दिस फैन ऑफ। तो जो भी अभी देखो पंखा चल रहा है, अभी भी पसीना पसीना हो रहा है क्योंकि इतना ही गर्मी है। तो जो भी है, तो आज मैं बात करूंगा अबाउट दिस वॉच। तो दिस इज ए नॉइस कलरफिट प्रो व्हिच आई बॉट अराउंड 2 months बैक। तो 2 महीने पहले मैं इसे खरीदा था, फिर मैं एक रिव्यू वीडियो बना था 1 या 2 हफ्ते बाद, और मैंने बोला था कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आया तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे हैं जो मुझे डीएम करके या फिर कमेंट में पूछा कि कैसा वॉच है या फिर नहीं है। तो आज मैं उस क्वेश्चंस का ही आंसर करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, क्या क्या अच्छा लगा मेरे इस वॉच में, क्या क्या नहीं लगा। तो आप लोगों ने मेरा जो वीडियो है वो देख लिया है और आप लोग जानते हैं इसका फीचर्स है क्या है नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा इसका प्रॉब्लम्स को। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट भाई, अगर आप इस वॉच को खरीद रहे हो तो मेक श्योर कि आपका आसपास कोई फ़ोन का दुकान हो जो पुराने टाइम में जो आप प्लास्टिक का स्क्रीन गार्ड यूज करते वो रखे, क्योंकि कंपनी जो है कोई भी स्क्रीन गार्ड प्रोवाइड नहीं करता है इसमें। सो विच इज अ वेरी बैड थिंग, अगर आप एक वॉच पहन ही रहे हो हाथ में तो भाई इधर उधर लगेगा और ये स्क्रैच हो सकता है। तो मैंने जैसे एक स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है इधर पे, एक प्लास्टिक का स्क्रीन गार्ड विच लुक्स बैड, बट क्या करे, स्क्रैच से तो बेहतर है। तो जो भी है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द थिंग आई डिसलाइक्ड अबाउट द वॉच, भी कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता है इसमें, तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा लिटरली, कंपनी भी नहीं बेचता है इसका स्क्रीन गार्ड। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 व्हिच आई डिसलाइक्ड अबाउट दिस वॉच। तो सेकंड थिंग इज दैट कि कभी कभी ये फोन से डिसकनेक्ट हो जाता है, तो नॉट ऑल द टाइम्स बट कभी कभी ये फोन से डिसकनेक्ट हो जाता है और ऐप में दिखाता है कनेक्टेड है बट कोई भी नोटिफिकेशन या फिर वैसा कुछ नहीं आता है इसमें। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2, आई डोंट नो ये फर्मवेयर प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम है, बट दिस इज द सेकेंड थिंग दैट आई डिसलाइक। तो थर्ड थिंग इज दैट ये जो है जब लो बैटरी होता है, सपोजिटली अगर बैटरी हुआ 20 या फिर 15%, तो ऑटोमेटिकली वो उस टाइम बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली तो अपने आप बंद हो जाता है और फिर स्टार्ट नहीं होता है। तो आई एम श्योर दिस इज अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, बट अगर आपके पास 20% बैटरी है और 20% बैटरी वॉच के लिए बहुत होता है, हम लोगों का फ़ोन जो है वही 20% में करीब करीब 2-3 घंटा चला लेता है, बट जब भी इस वॉच में 20 या फिर 15% बैटरी होता है तो ये ऑटोमेटिकली खुद को बंद कर देते हैं और ऑन नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट नंबर 3 विच आई डिसलाइक्ड अबाउट दिस वॉच। पॉइंट नंबर 4, और ये सबसे मुझे गुस्सा आता है इस पॉइंट में, एंड दिस इज आई थिंक द फाइनल पॉइंट इज दैट कि अगर आप रात को ये वॉच को बंद करोगे तो फिर सुबह में ये स्टार्ट नहीं होगा यूजुअली, तो आपको फिर से चार्जर में लगा के ही इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं अभी फ़िलहाल इस सेटिंग पर और मैं इसको पावर ऑफ में क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो गया वॉच, ठीक है। तो अभी अगर अब मैं इसको ऑन करने का कोशिश करूँगा तो ये फिर ऑन नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको चार्जर में लगा कर ही ऑन करना पड़ेगा। तो आई होप दिस इज अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। Was all the problems and the second video for you guys. So I hope you like this video. So if you like this video, give a thumbs up, comment down below what you want to see in the near future. Click here to watch my last video and click here to subscribe. Till then, peace. तो भाई जैसे आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो मैंने चौकड़ी मार दिया, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आज से 10 दिन तक, मतलब फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो और 8 वीडियो में, हर एक वीडियो के बाद तो ये एक एक वीडियो करके काटा जाएगा, और जब जिस दिन 10 वीडियो हो जाएगा तो ये उतार दिया जाएगा वॉल से। तो यही है इसका फंडा, तो सी यू गाइस एट माई नेक्स्ट वीडियो।